दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और हर साल जन्माष्टमी में मैं कुछ ना कुछ नया करती हूँ, तो इस साल भी मैंने सोचा कुछ करते हैं और कर रही हूँ। तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं डेकोरेट करूंगी, उसके बाद डिस्टिरियोमा को राधा ड्रेस पहनाऊंगी, उन लोगों को राधा सजाऊंगी और वो लोग कैसी लग रही है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो देखते हैं कि डेकोरेशन करने के लिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। कल मैं मार्केट गई थी और वहां से मैं पहले तो ये प्लास्टिक का गेंदा फूल का माला मैं लेकर आई हूँ और ये एक येलो कलर का दोपट्टा मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आज का थीम जो मैं करने वाली हूँ वो ट्राई करूंगी पूरा येलो कलर से ही करूँ। तो मैंने जो भी मैं लेकर आई हूँ सारे येलो कलर का है। जैसे ये गोपाल जी का, मेरे गोपाल जी का ड्रेस है, बिल्कुल येलो कलर की ही है और बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो। और उसके साथ एक प्यारा सा मुकुट मैं खोल के दिखाऊं, ये मेरे गोपाल जी का मुकुट हो गया। और एक माला, वो ज्वेलरी सेट भी मैं लेकर आई हूँ। एक आसन है येलो कलर का, ये देखो। और बस इतना सा ही है और इसी से ही मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। ये दोपट्टा मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ना नेट चाहिए था, नेट नहीं मिला तो मुझे लगा कि चलो दोपट्टा ही ले लेते हैं, उसी से ही हो जाएगा डेकोरेशन। तो और टुनी बल्ब भी है। तो और हाँ, और एक चीज है मैं आपको दिखाती हूँ, और ये है डिस्पोजल ग्लास, जिससे मैं बनाने वाली हूँ कुछ अलग, डिस्पोजल ग्लास और टुनी बल्ब से। तो क्या बनाने वाली हूँ चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रेक्टेंगल शेप का प्लास्टिक बेस और ये डिस्पोजल ग्लास के पीछे मैं छोटे छोटे छेद कर दूंगी और धीरे धीरे सारे ग्लास को बेस के ऊपर ऐसे स्टिक कर दूंगी। सेम तरीके से एक के बाद एक मैं लेयर बनाती जाऊंगी। अब एक एक एलईडी बल्ब लेंगे और छेद के अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से सारे एलईडी बल्ब को हम ग्लास के अंदर डालेंगे। देखा कितना आसान है इसे बनाना और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। पहले ही मैंने ये टुनी बल्ब लगा लिया, अब चलो डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस माला से डेकोरेट करेंगे, ठीक है। अब ये मैं डेकोरेट करने वाली हूँ कान्हा जी के लिए आसन। वाओ देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो, ये है एक बहुत ही प्यारा सा राखी जो मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे ये जन्माष्टमी में ही इसको इससे डेकोरेट करना था, क्योंकि ये प्लान मैं बहुत पहले से कर रही थी कि कैसे करूँ ना करूँ। तो अब मैं ये यहाँ पे लगाऊंगी, देखो बहुत ही प्यारा है। और मैं इसे लगाने वाली हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखो। अब ये मैंने यहाँ पे कान्हा जी का प्रिय मर पंख और साथ में कान्हा जी और राधा रानी साथ में है। और ये है मेरी राधा रानी जो हो गई है सज धज के तैयार। आज तो स्टूडियो में बहुत ही खुश है क्योंकि दोनों बिल्कुल रानी की तरह तैयार हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि ये लोग इतने सारे ज्वेलरीज एक साथ पहने हैं और लड़की है तो ज्वेलरी पहनने के बाद खुश तो होगी। और ये है मेरी चुलबुली राधा रानी जो हर टाइम मस्ती के मूड में ही रहती है। यो माँ बहुत खुश हो गई है आज मेकअप करके, ये देखो ना कैसे पोज दे रही है, डांस कर रही है। आधे घंटे से मैं खड़ी हूँ यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए और ये दोनों कंटिन्यूस डांस ही करती जा रही है। और ये मेरे गोपाल जी भी तैयार।